Brought to you by Union Enzyme. जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो, इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ खाना बचाओ। हर सुल्तानपुर की धरती सुनिया जी को अपने दिल का टुकड़ा मानती है। तो सुना आपने? जी नहीं, आपसे सुनने में कोई गलती नहीं हुई है। ये नेता तो योगी कैबिनेट के हैं, लेकिन तारीफ किसकी कर रहे हैं? सुल्तानपुर की धरती सोनिया जी को अपने दिल का टुकड़ा मानती है। आपने ठीक सुना, सोनिया गांधी, वही सोनिया जो प्रत्याशी भी नहीं है, राहुल गांधी की माँ और कांग्रेस की बड़ी नेता, वही कांग्रेस जिसको हराने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता जनसभाएं कर रहे हैं, और उन्हीं के मंत्री ये क्या कर रहे हैं? सुल्तानपुर की धरती सोनिया जी को अपने दिल का टुकड़ा मानती है। लेकिन गनीमत है कि किसी कार्यकर्ता ने उन्हें बताया कि हुजूर आप गड़बड़ कर रहे हैं। तभी संजय निषाद ने खुद को सही करते हुए मेनका गांधी का नाम लिया, जो कि सुल्तानपुर से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। सुल्तानपुर की धरती सोनिया जी को अपने दिल का टुकड़ा मानती है, बेटी मानती है, बहू मतलब मेनका जी को अपना दिल का टुकड़ा मानती है और अपना बहू मानती है, अपना बेटी मानती है यहाँ की मेनका गांधी को। राजनीति में नेताओं की जुबान फिसलना कोई नई बात नहीं है और ये सिलसिला अनवरत जारी है। आपने अक्सर मंच से नेताओं की जुबान फिसलते सुनी होगी, जो कि नेताओं की किरकिरी करवाती है और जनता के बीच भी हास परिहास का कारण बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के साथ, जब वे सुल्तानपुर से एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दरअसल निषाद सुल्तानपुर से भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी का समर्थन करने उस जनसभा में मौजूद थे। मंच से निषाद ने सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधा और जमकर बरसे। इसी के साथ निषाद जनता से अपील करते नजर आए कि सभी लोग कमल के बटन को ही दबाएं। फिर हुआ कुछ यूं कि निषाद अचानक से मंच पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी की चर्चा के बजाय सोनिया गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। मंच पर जब स्थिति असहज होने लगी तो बगल में मौजूद भाजपा विधायक राजप्रसाद उपाध्याय ने उन्हें मेनका गांधी की तरफ इशारा किया। ये प्रकरण जनसभा के दौरान चर्चा का विषय बना रहा। क्या कुछ कह डाला निषाद ने सोनिया गांधी के लिए, आप भी सुनिए। हमारा बटन कहाँ दबेगा? जरूर आती हूँ उनके साथ, आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। हर सुल्तानपुर की धरती सोनिया जी को अपने दिल का टुकड़ा मानती है, बेटी मानती है, बहू मतलब मेनका जी को अपना दिल का टुकड़ा मानती है और अपना बहू मानती है, अपना बेटी मानती है यहाँ की मेनका गांधी को। हर आदमी अपने सामने अपने बेटा बेटी को देखना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि पूरे इतिहास में मोदी के समय जितना सदन चला होगा उसको किसी का नहीं चला होगा। सुल्तानपुर सीट पर मेनका गांधी के सामने सपा प्रत्याशी श्री राम भुवाल निषाद हैं और बसपा प्रत्याशी उदय राज वर्मा हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुल्तानपुर से महेश शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।